आप करो बाय बाय बाय। थैंक यू सो मच भैया फॉर हेल्प। थैंक यू। तो चलिए फिलहाल तो इन लोगों को हमने जो है ड्रॉप कर दिया। ये लोग हमारे साथ थे होटल वगैरह में। अब चलते हैं अपनी ट्रेन की तरफ। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? दोस्तों फिलहाल अभी मैं हूँ कालका रेलवे स्टेशन पर और आज हम यात्रा करने वाले हैं न्यू दिल्ली कालका शताब्दी एक्सप्रेस में। वैसे ये जर्नी जो है केवल अम्बाला कैंट तक होने वाली है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, बहुत कुछ चीज़ें आपको मैं दिखाने वाला हूँ। वैसे मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है किसी शताब्दी एक्सप्रेस में। ट्रेन जो है ऑलरेडी लगाई जा चुकी है और अपना कोच है सीवन। चलिए देखते हैं इसका इंटीरियर वगैरह कैसा है। तो ये है अपनी शताब्दी एक्सप्रेस का इंटीरियर। आज हम यात्रा करने हैं एसी चेयर कार में और कुछ इस तरह का जो है सीटिंग अरेंजमेंट होता है एसी चेयर कार में। एक तरफ दो सीटें होती हैं, एक तरफ तीन सीटें होती हैं। सीटों की पोस्टिंग वगैरह जो काफ़ी अच्छी खासी है और यहाँ पर आपको टेबल वगैरह मिल जाएगा डिनर और ब्रेकफास्ट करने के लिए। विंडोज़ वगैरह काफ़ी लार्ज होती हैं जिससे आपका जो व्यूइंग एंगल है वो काफ़ी मस्त होने वाला है। यहाँ पर कर्टन भी है तो आप कर्टन भी लगा सकते हैं धूप वगैरह के लिए। बाकी लगेज स्पेस की बात करें ना तो वो भी अच्छा खासा आपको देखने को मिल जाता है और बीच में इस तरह की लाइट्स मिल जाएगी जो कि बिल्कुल ही यूनिक लग रही है। और लगेज स्पेस भी आपको ठीक ठाक मिल जाता है, काफ़ी ठीक ठाक लग रहा है कुछ। और बाहर जो देखें, बाहर का इसका इंटीरियर जो है ना वो यहाँ पर जो विनाइल पेंटिंग लगी है जो कि एक बढ़िया लुक दे रही है इसको। और ये यहाँ की है कैटरिंग सर्विसेज का हिस्सा जो है बिल्कुल गेट के पास ही होता है। यहाँ से जो हमारा ब्रेकफास्ट वगैरह है डिनर वगैरह जो है सर्व किया जाता है। यहाँ पर जो है ओवन वगैरह होता है, डिफ्रीजर वगैरह होता है जहाँ से हमारा खाना वाना जो है उनको सर्व किया जाता है। प्लेटफॉर्म नंबर 3 से हमारी जो ट्रेन है वो निकलने वाली है और हमारा जो रूट होने वाला है वो है चंडीगढ़ और अम्बाला कैंट होते हुए पानीपत होते हुए नई दिल्ली के लिए। वैसे फ़िलहाल मैं केवल अम्बाला कैंट तक जाने वाला हूँ और ट्रेन जो है यहाँ से 5:45 जो है यहाँ से डिपार्चर है इसका। वैसे अभी तक ट्रेन का एसी वगैरह नहीं चल रहा था और अब शायद से जो है ऑन कर दिया गया है। चलिए अंदर चलते हैं और अपनी यात्रा को जो है शुरू करते हैं। और ये देखिए आप इस तरफ कालका रेलवे स्टेशन। बिल्कुल 5:45 पर हमारी ट्रेन जो है कालका रेलवे स्टेशन से निकल चुकी है। अब हमारा जो नेक्स्ट हॉल्ट है वो है चंडीगढ़। चंडीगढ़ अराउंड यहाँ से आधे घंटे पौने घंटे की देरी थी। उसके बाद सीधे हमारी ट्रेन जो है सीधे अम्बाला कैंट में रुकने वाली है। फिर मतलब यहाँ से अम्बाला कैंट के बीच सिर्फ एक ही स्टॉप है, वो है चंडीगढ़ का। फाइनली जो है कालका को अलविदा करते हुए, पिछले 2 दिन से मैं यहाँ पर था और वो काफ़ी बढ़िया जगह है। स्टेशन भी अच्छे हैं और जो अदर प्लेसेस हैं वो भी अच्छे हैं, मार्केट भी अच्छी है और व्यू देखो आप। अभी स्टेशन से निकले मात्र 2 मिनट हुए होंगे और एक्सप्रेशन देखो आप।
दोस्तों फिलहाल अभी हम पहुंचने वाले हैं चंडीगढ़ जंक्शन, और चंडीगढ़ जो है उसका जो नाम है वो चंडी माता के मंदिर पर पड़ा है, और वो मंदिर जो है चंडीगढ़ से अराउंड 10-12 किलोमीटर के आसपास है। जो भी मैंने आपको स्टेशन दिखाया है चंडी माता वाला, वही जो स्टेशन है वहीं पर मंदिर उसका है। फाइनली पहुंच चुके हैं चंडीगढ़ जंक्शन, और चंडीगढ़ से जो है ना सारी ट्रेन जो है फुलफिल हो जाती है, क्योंकि कालका से भी ट्रेन जो है पूरी तरह से खाली आ रही है। और बात करें चंडीगढ़ की ना, तो चंडीगढ़ एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है, क्योंकि यहां से एक लाइन सहनेवाल की तरफ गई है, और एक लाइन जिधर से हम लोग आ रहे हैं कालका की तरफ से, और एक लाइन जिधर हम लोग जाने वाले हैं मतलब जो है अम्बालागंज की तरफ, इसलिए जो है चंडीगढ़ एक जंक्शन रेलवे स्टेशन। बाकी ट्रेन यहाँ ना पूरी तरह से फुलफिल हो जाती है, क्योंकि कालका से ट्रेन जो है भी पूरी खाली ही आ रही थी, और ऑलमोस्ट सभी पैसेंजर जो है वो चंडीगढ़ से ही बोर्ड करते हैं इस ट्रेन में। और हमारा को जो है सबसे पीछे है, और चंडीगढ़ से ही जो कैटरिंग सर्विसेज हैं वो यहाँ पर शुरू कर दी जाएंगी, क्योंकि अभी ऑलमोस्ट पैसेंजर पूरे कोच में 2-3 ही पैसेंजर्स थे। अब फिलहाल ट्रेन जो है पूरी तरह से भर चुकी है। तो हमें दिया गया है ब्रेकफास्ट में जो है एक रोस्टेड चना है, एक भेल है, एक समोसा दिया गया है, और एक जो है ये सोन पापड़ी है, बाकी जो है चाय बनाने की सामग्री में जो दी गई है। तो फिलहाल हमारी ट्रेन जो है वो अब चंडीगढ़ से निकल चुकी है, और दोस्तों मैं आपको डिपार्चर जो है वो अंदर से इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि जो है ट्रेन यहाँ पर करीब 20 मिनट के आसपास खड़ी थी, और जिसके कारण मैं जो है अंदर आ जाता हूँ। फिलहाल ट्रेन हमारी जो है अब निकल चुकी है चंडीगढ़ से, और चंडीगढ़ से निकलते निकलते ना बारिश भी शुरू हो गई है, और मौसम जो है शाम का वक्त है, और काफ़ी सुहाना मौसम हो चुका है। तो अभी हमारी ट्रेन जो है वो करीब 130 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में चल रही है, और मौसम सच में बहुत ही लाजवाब हो चुका है। शाम का समय है और बादल छाए हैं, क्या नज़ारा है। तो दोस्तों फाइनली बारिश जो है अब शुरू हो चुकी है, और मैं आपको अंदर से भी इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि जब मैं डोर ओपन कर रहा हूँ ना तो काफ़ी ज़्यादा पानी जो है वो अंदर आ रहा है, क्योंकि ट्रेन काफ़ी फास्ट चल रही है। फाइनली जो है हम लोग अम्बाला कैंट पहुँचने वाले हैं, और वो जो लाइन आप देख रहे हैं ना वो लाइन है दिल्ली जम्मू मेल लाइन। कितनी ज़्यादा बारिश हो रही है यहाँ पर, ट्रेन जो है ऑलमोस्ट 10 से 12 मिनट लेट चल रही है, और बारिश से भी मस्त हो रही है। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं अम्बाला कैंट रेलवे स्टेशन, और मौसम देखो आप, वेदर काफ़ी जो है मस्त हो चुका है। वैसे ट्रेन हमारी जो है तो नंबर 1 पर आई है, और मौसम काफ़ी जो है मस्त हो चुका है। ट्रेन वैसे 10 मिनट लेट चल रही है, फिलहाल 10 मिनट तो चलता है, 10 मिनट तो कवर कर लेगी। बाकी बात करें ट्रेन की ना, तो ट्रेन की टाइमिंग जो है काफ़ी सही है, साफ़ सफाई काफ़ी सही है,
और कैटरिंग सर्विसेज की बात करें ना, तो कैटरिंग सर्विसेज जो है वो इतनी खास मुझे लगी नहीं, स्पेशली जो चाय है और समोसा है वो तो बिल्कुल वाहियात था। बाकी ट्रेन ठीक ठाक है, बाकी मेरी फर्स्ट एक्सपीरियंस था मेरा जो है एक किसी शताब्दी एक्सप्रेस में। बाकी जर्नी आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि बारिश हो रही है। फिलहाल आज के ब्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आपसे जल्दी एक ऐसी ट्रेन जर्नी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।